आज बैसाखी के महापर्व पर भोजपुर जिले के सारे किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम सभी किसान भाई बैठे हैं और जैविक खेती हमें करना है और रसायन का प्रयोग खेतों में कम करना है और कुदरती खेती के माध्यम से यदि हम फसल उगाते हैं, यदि हम अनाज उगाते हैं, यदि हम फल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं और उस जैविक खेती से उत्पादित यदि फसल और फल का सब्जी का उपयोग करेंगे तो 99% जो बीमारियां हमें मिलती हैं वो केवल जैविक खेती से उत्पन्न अनाजों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। तो आइए आज कुदरती फसल के उत्पादन के संकल्प के साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आइए दोनों ऊँचा कान पे लगाएंगे, तर्जनी को ललाट पर और 10 बार भौरे जैसा गुंजन करेंगे। बंद रखिए, हाथ नीचे करिए और 5 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे पवित्र ओम के ध्वनि के साथ। मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सांस को भरते हुए ये 8वां अभ्यास कहते हैं इसको, प्रणव प्राणायाम यानी उस परमात्मा के प्रति अपने जीवन को समर्पित करते हुए आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करते हैं कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, हमारा विचार कैसे चल रहा है, हमारे आचरण में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे भीतर जो कुछ भी गलत भोजन है, गलत अभ्यास है, आहार विहार में भी शुद्धिकरण का भाव रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे धीरे धीरे। जब हथेली गर्म हो जाए तो अग्निदेव को नमन करिए, अग्नि तत्व हमारे अंदर विराजमान है। और जब हथेली गर्म हो जाए तो दोनों हथेलियों को आप अपने आँख पर रगड़िए, रपेटिए, स्पर्श करिए आँखों पर और मुखमंडल पर स्पर्श करते हुए अपने शरीर के एक अंगों को स्पर्श करते हुए और हाथ जोड़ लीजिए प्रणाम मुद्रा में और सबको प्रणाम करेंगे। हे परमात्मा, हम चाहते हैं कि पूरा जीवन ऐसा ही हमारा सुबह प्रारंभ हो कि हम 1 घंटा योग करें, अपने सांसों की आराधना करें, साधना करें और फिर दिन भर कर्म योग के साथ अपने दैनिक क्रियाकलापों को पुरुषार्थ के साथ करेंगे। ओम।